शाहनगर के शासकीय अस्पताल में 108 जननी एक्सप्रेस वाहन के चालक सुशील कुमार पाल ने गर्भवती महिलाओं से पैसे लेकर उनके घर छोड़ने का मामला सामने आया है। जहां सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन है, चालक द्वारा लॉकडाउन के नियमों का भी पालन नहीं किया गया, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स, और ऐसे में 108 वाहन चालकों को मदद के बजाय पैसा कमाने से बाज नहीं आ रहे। ग्राम टिकरिया की गर्भवती महिला लक्ष्मी बाई पति बॉबी चौधरी और अभिलाषा पति कालू चौधरी की जांच के लिए शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई हुई थी, जहां जांच के बाद उनको घर तक ले जाना था। तब जननी चालक ने बहाना बनाते हुए दूसरी जगह जाना है यह कह दिया, यदि आप लोगों को जल्दी जाना है तो 200 रुपये दीजिए, तो पहले टिकरिया छोड़ देता हूँ। टिकरिया निवासी गर्भवती महिला लक्ष्मीबाई और अभिलाषा ने वाहन चालक को 200 रुपये दे दिए। टिकरिया बस स्टैंड पहुंचने के बाद महिला ने अपने पति को बताया कि चालक ने 200 रुपये लिए। पति बाबी चौधरी द्वारा पत्रकारों को बुलाया गया। पत्रकारों के आने के बाद चालक सुशील कुमार पाल ने जो पैसे लिए थे वो पीड़िता को वापस कर दिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब पत्रकारों द्वारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सर्वेश लोधी से इस मामले में बात की तो मेडिकल ऑफिसर ने यह कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, 108 पर शिकायत कीजिए। साहब के कहने का मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे, जैसा इनके पास कोई अधिकार ही ना हो 108 वाहन चालकों पर कार्रवाई करने का। शाहनगर से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। आगे पैसे वापस मिले आपको? पैसे इन्होंने लिए थे, शाहनगर में बोल रहे थे आप पैसे दे जब हम भेजने जाएंगे। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे जांच कराने। किसकी जांच? भाभी की। क्या नाम है भाभी का? अभिलाषा। कहाँ की है? झिरमिला की। झिरमिला की है। तो ये छोड़ा कहाँ है इनने आपको? टिकरिया की है। आप जाना जहाँ झिरमिला है। 200 रुपए ने लिए थे? क्या बोल के लिए थे? बोल रहे थे पैसा दे तो हम छोड़ने चलेंगे, नहीं तो हमको टाइम नहीं। आपको वापस मिल गए ना? मिल गए, मतलब लिए थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।